integration, for his initiatives to promote communal harmony in India. He is a former professor of biomedical engineering and former senior medical officer affiliated with the IIT Bombay. After serving for 27 years, he took voluntary retirement to work full time for upholding human rights activities and initiatives to oppose the rising tide of fundamentalism in India. He has authored innumerable books on Indian politics, communalism, democracy, fascism, religion, and socialism, and secularism. He has been associated with various secular initiatives and has been a part of various investigation reports on violation of human rights. Ladies and gentlemen, if I continue describing this man, it might take me all day. So without much further ado, let us call upon the last speaker for the day, Dr. Rao Puniyani. प्रिय दोस्तों, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ संयोजकों को कि उन्होंने आज हमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश के सामने है उसकी याद दिलाई, डेमोक्रेसी के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में जो हालात हैं उसके ऊपर हमारा ये किया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया गया है और इतनी प्यार से, मोहब्बत से मुझे मेरा स्वागत हुआ है और मेरे बारे में कहा गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल, थैंक यू। अब आज दूसरी जो खास बात मुझे देखने को मिली कि स्टेज पे आज प्राय सभी धर्मों के गुरु हमारे सामने बैठे हैं और सवाल हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आज दुनिया में जो हो रहा है वो धर्म के कारण है या कोई और कारण से है। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता दूं कि आज लोगों के मन में एक भावना है कि ये जो मामला है देश में चल रहा है वो हिंदू मुसलमान के बीच का झगड़ा है, ये हिंदू क्रिश्चियन के बीच का झगड़ा, ऐसा एक समझ है। दुनिया के लेवल पे चलता है कि भाई ये जो दहशतगर्दी है उसका इस्लाम से कुछ लेना देना है, मुसलमानों से कुछ लेना देना, ये दो मोटी बातें दुनिया में चल रही हैं जो हमारे समाज के लिए काफी एक नकारात्मक चीज है, बहुत निगेटिव चीजें हैं। तो आज स्टेज पर बैठकर मैंने भी बहुत सीखा, मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से समझदारी से आपको बताया कि वास्तव में धर्म है क्या, थोड़ा हम धर्म को समझ लें। क्योंकि आज मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हमारी जो समस्या है जो सियासत, राजनीति, पॉलिटिक्स, स्वार्थ, कुछ लोगों का स्वार्थ, ये पॉलिटिक्स आज धर्म के कपड़े पहनकर चल रहा है। हमें कंफ्यूजन होता है कि अरे भैया ये तो रिलीजन के कारण है, आप गहराई में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसके पीछे कोई ना कोई सियासत है, कोई राजनीति है, कोई आर्थिक लाभ की राजनीति है जो मजहब के नाम पे अपना काम करना चाहती है। ये एक सही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरे पहले के दोस्तों ने, जो धर्मगुरु हैं, बाकी दोस्तों ने बहुत अच्छे से बताया मजहब क्या होता है। और मजहब क्या होता है इसमें तो बहुत लंबी लंबी तकरीरें होती हैं, उतना मैं नहीं कहना चाहूंगा। मेरे केवल दो समझ धर्म के बारे में जो बनाई, एक तो धर्म के नैतिक मूल्य, मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया धर्म के नैतिक मूल्य जो हमें हमें इंसान को इंसान से प्यार करना सिखाते हैं, वो असली धर्म है, बाकी चीजें। तो इसलिए कई बार मैं संत कबीर का एक दोहा हर जगह हो रहा था हूं, क्योंकि जो संतों की परंपरा, जो सरदार जी ने हमें गुरु नानक जी के बारे में बताया, तो ये जो हमारे संत थे, ये संतों ने धर्म को एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा और संत कबीर ने उसके प्यारी सी परिभाषा हमारे सामने रखी, थोड़ी कठिन हिंदी में, उसका अनुवाद करके मैं बताऊंगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो मेरे लिए प्यार जो है वही मोहब्बत, प्यार और मोहब्बत यही धर्म का केंद्र बिंदु है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मजहब तो मोहब्बत का दूसरा नाम है। मजहब इंसानियत से, मजहब पूरे समाज से। और इस यहां मैंने पढ़ा, आपने एक शब्द स्वीकार किया, वसुधैव कुटुंबकम, अलग अलग बातों में आया, अपने पड़ोसी से प्यार करो, लव दाई नेबर एज़ थाई ओन सेल्फ, वसुधैव कुटुंबकम,
और लोगों के खाने पीने का ख्याल रखो वगैरह, ये सब चीजें जो आई ये वास्तव में हमारे धर्म का मर्म होता है। पर दुनिया में पहले भी कई बार राजाओं ने, बादशाहों ने, किंग्स ने धर्म के नाम पे अपने राज्य को विस्तार किया। किसी ने कहा मैं क्रूसेड कर रहा हूं, लोगों को मार रहा हूं, ये क्रूसेड है। किसी ने कहा मैं लोगों को मार रहा हूं, ये धर्म युद्ध है। किसी ने कहा मैं लोगों को मार रहा हूं, ये जिहाद है। वास्तव में ये धर्म का दुरुपयोग है सत्ता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि धर्म इंसानियत को बढ़ाता है और वो उन जज्बात को बढ़ाता है जिससे हम समाज को आगे लेकर चले। तो खैर, आज के दो कॉन्क्रीट मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा। पहले तो हम थोड़ा दुनिया को देख लें। दुनिया को आप न भी देखना चाहें तो दुनिया को देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की कुछ राजनीति दुनिया से भी प्रभावित होती है। और वहां से एक खास बात आपको याद में दिलाना चाहता हूँ, आप सबको याद होगा 9/11/2001 दो एरोप्लेन गए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकराए। एक ही चीज को याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को टकराए, बिल्डिंग्स नीचे बैठ गई और उसी के साथ करीब 3000 लोग मारे गए। अब मैं इस बात पर नहीं जाता कि बिल्डिंग्स क्यों गिरी, बस सिर्फ इतना बता दिया थे वहां एरोप्लेन टकराए थे, बाकी बात मैं छोड़ देता हूं। 3000 लोग मारे गए। मेरा सवाल है ये 3000 लोग कौन से मजहब के थे? किसी एक मजहब के थे कि सभी मजहब के? सभी मजहब के। किसी एक देश के थे या सभी देशों के थे? सभी देशों के। और आखिरी सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये लोग गुनाहगार थे या बेगुनाह? बेगुनाह। अब ये 3000 बेगुनाह लोग मारे गए। उसके बाद एक खतरनाक व्यक्ति जो खुद को मुस्लिम बतलाना चाहता है, इस्लाम का फॉलोअर बताना चाहता है, वो टीवी पे आता है। वो आता है या उसको लाया जाता है वो भी मुझे नहीं पता। आता है और बोलता है बहुत अच्छा हुआ ये जिहाद है, ऐसा और होना चाहिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये बात वो इस्लाम के नाम पर कह जाता है। अब खैर, जैसे मौलाना साहब ने सही कहा, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूं, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा समझने की कोशिश की और कुरान की एक आयत मेरी नजर में आई। कुरान की आयत सूरा 5:32 क्या पढ़ा मैंने उसमें? उसमें कहा अगर आप एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो, कितने? एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारते हो तो पूरी इंसानियत को मारने के समान है कुरान। तीन हजार बेगुनाह लोग मारे गए। तो जो व्यक्ति कहता है ये अच्छा हुआ ये जिहाद है, वो इस्लाम के रास्ते पर है या इस्लाम के विरोध में है? विरोध में। इस्लाम के विरोध में। उसको खड़ा किसने किया? उसको दुनिया के 126 करोड़ मुसलमानों ने खड़ा किया। भैया तू हमें आगे ले चल, गलत। उसको खड़ा किया, उस संगठन का नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ऑफ अमेरिका। मेरे ख्याल से मानवता के इतिहास में एक बड़ा अपराध है जब मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? अब दुनिया में तेल का पॉलिटिक्स है, मैंने आपको कहा ऊपर से मजहब दिखाते हैं, अंदर से लालच छुपा है। लालच क्या है? लालच है तेल के कुएं मेरे पास चाहिए। कौन कह रहा है? वो दुनिया का जिसको अपन अंकल सैम कहते हैं, वॉशिंगटन में जो रहते हैं, वो कहते हैं कि भैया तेल तो इतनी कीमती चीज है, हम इनको अरब लोगों के पास नहीं छोड़ सकते। तेल अरब का है पर हम उसके आका हैं, तेल पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए याद रखिए, ये जो दहशतगर्दी इस्लाम के नाम पर लाई गई, एक एक शब्द का मतलब है, दहशतगर्दी इस्लाम के नाम पर लाई गई, इसमें तीन चीजों का हाथ है। नंबर एक, इसका सिलेबस और योजना बनी वॉशिंगटन में, इस्लाम के अर्थ को बदल के, इस्लाम के दो अर्थों को बदला गया। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग शायद मेरे से ज्यादा जानते होंगे। एक काफिर शब्द को बदला गया और जिहाद शब्द को बदला गया। खैर, जिहाद की मेरी शब्द मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो यानी जैसे सूरज को मैं एक मोमबत्ती दिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझे टॉलरेट कर लीजिएगा। जिहाद की मेरी समझ है, एक है जिहाद अकबर, दूसरी है जिहाद असगर। जिहाद अकबर यानी खुद की बुराइयों के खिलाफ लड़ना, और जिहाद असगर दुनिया की बुराइयों के खिलाफ लड़ना। और यहां जिहाद का क्या मतलब कर दिया? जिहाद देखना लोगों को मारो वो जिहाद है। ये डिस्टॉर्शन किया अमेरिका ने, क्यों? क्योंकि उसको अफगानिस्तान में रशियन फौजों को हराना था, उसने खड़ा किया। पाकिस्तान के मदरसों में
नौजवान मुसलमानों को ब्रेन वॉश किया और उस ब्रेन वॉशिंग के लिए उन्होंने $8,000 million 7,000 टन हथियार दिए, जिसके से मुजाहिदीन, तालिबान, अलकायदा और ISIS बने। और आज ये इंप्रेशन हो रहा है ये मुसलमानों के कारण है, ये इस्लाम के कारण है। और करेले पे ऊपर नीम चढ़ाइए कि इन सब चीजों को इस्लाम के नाम पर जिसने पॉपुलराइज किया, व्यापक किया, उसका नाम है अमेरिकन मीडिया। अमेरिकन मीडिया ने 9/11/2001 के बाद पहली बार इस्लाम को और आतंकवाद को जोड़ दिया। इसके पहले दुनिया में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनाडु था, यहाँ गोडसे जैसे लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई। सब हत्याओं में अलग अलग धर्म के लोग थे, पर कभी भी मजहब को दहशतगर्दी के साथ नहीं जोड़ा गया। पहली बार अमेरिकन मीडिया ने इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया और पूरे दुनिया के मुसलमानों पर एक कलंक सा लगाने की कोशिश की, यानी इस्लाम आतंकवाद को जन्म देता है, मुसलमान आतंकवादी हो सकता है। और ये बात हमारी दुनिया के इससे सीखने की एक है कि कैसे मजहब का दुरुपयोग किया गया। एक भारत पे आते हैं, मेरे पहले के नौजवान दोस्त ने बहुत अच्छे से बताया कैसे हिंदू मुसलमान में एकता, हिंदू मुसलमान की एकता से यहाँ की सभ्यता, साहित्य, संस्कृति, कला, धार्मिक परंपराएं सबका विकास हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण बताए, 1857 की लड़ाई का बताया, थोड़ा सा उनके इसमें मैं जोड़ देता हूँ। 1857 की लड़ाई आपको याद होगा, इसकी चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे। लड़ाई का लीडरशिप किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथ ही कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई और वहीं से उन्होंने फैसला किया अगर भारत पे हमको राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा, फूल डालो और राज करो। तो उन्होंने इतिहास को ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि जैसे इतिहास धर्म के लोगों, धर्म का इतिहास है, इतिहास राजाओं का इतिहास था, राजाओं को धर्म के नाम से प्रस्तुत किया। जो मेरे दोस्त ने बताने की कोशिश की, मौका पड़ा तो उसको और मैं बताने की कोशिश करूंगा। खैर, पर ये इतिहास उन्होंने लाया, पर इस प्रकार के इतिहास को हिंदू एक तरफ थे, मुसलमान एक तरफ थे, इसको सबने स्वीकार नहीं किया। इस बात पर आऊंगा, पर पहले ये बताना चाहता हूं कि आम लोग हमारे यहां कैसे लेते थे। क्या हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल कर रहते थे? क्या आपस में झगड़ते रहते थे? याद रखिए दोस्तों, हमारे जो प्यारे त्यौहार हैं, होली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो, मुहर्रम का त्यौहार हो, अलग अलग त्यौहारों में सभी धर्म के लोग शामिल होते थे। और हमारे धर्मों के जो संत हैं, भक्ति संत, सूफी संत, क्या ऐसा है कि भक्ति संत को केवल हिंदू लोग मानते थे? गलत। संत कबीर जैसे लोगों को देखिए, उनको मानने वाले हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और सूफी संत की दरगाह का बताइए, सूफी संत की दरगाह पे कौन जाता है? हिंदू जाता है, मुसलमान जाता है, या दोनों जाते हैं? दोनों जाते हैं। ये हमारी परंपरा का भाग। उसमें एक दो चीजें मैं और आपको बताना चाहता हूँ। अभी अभी BBC ने एक सर्वे किया था कि NRI इंडियंस जो पूरे विदेशों में रहते हैं, भारतीय हैं, उनसे पूछा गया कि आप बताइए हिंदी फिल्में जो हैं उनके सब 10 बेहतरीन भजन कौन से हैं, भजन डिवोशनल सॉन्ग्स। तो लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, उसमें से उन्होंने 10 गानों को सुना और उसमें से एक गाना मैं अपनी जनरेशन का बताता हूँ, उसके लिए थोड़ा मंजू बावरा उसमें से है। और इस फिल्म का, इस सॉन्ग का मैंने स्टडी किया तो इनके लिखने वाले का नाम मन तड़पत हरि दर्शन को आज, लिखने वाले का नाम शकील बदायनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। इतिहास की बात हो गई, पुरानी बातें आपकी जनरेशन के लिए बता दूं, वो खैर खास तौर से बलि को डर लग रहा था, लोगों का नाम लू के डालू, मुझे आमिर खान का नाम लेने से और दूसरा डर लगता है कि उसको इंडिया में रहने देंगे कि नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम है। उसी की एक फिल्म आपने देखी होगी लगान, लगान में वो आमिर खान 11 vs Captain Russell 11 क्रिकेट मैच 5 दिन का, चौथे दिन की शाम को गाँव के लोगों को बड़ा टेंशन है, वो जाते हैं गाँव के एक मंदिर में और गांव के मंदिर में जाके गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे। किसका मंदिर है? भगवान श्री कृष्ण का। अभी जरा गाने का विश्लेषण कर लीजिए, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे,
लिखने वाले का नाम है जावेद अख्तर, संगीत देने वाले का नाम है अल्लाह रखा रहमान ए आर रहमान है। तो ये हमारी परंपरा जिसमें हिंदू मुसलमान दोस्त के रूप में, पड़ोसी के रूप में, समाज के रूप में रहते थे, उसमें जो आने की फूट डालने की कोशिश अंग्रेजों की कामयाब क्यों हुई, उनकी कोशिश कामयाब हुई, पर मैं आपके साथ ये समझना चाहता हूँ कामयाब क्यों हुई। कामयाब इसलिए हुई दोस्तों कि अंग्रेज यहाँ आए, इस देश को लूटने आए, इस देश की संपत्ति को बाहर ले जाने आए। तो पहले जो भगत सिंह का जवाब था कि ये मुगल राजा वर्सेस ब्रिटिश का एक फर्क हमको अच्छे से समझ गया, उसको मैं और जोड़ कर बताऊं कि जो यहाँ 800 साल के करीब मुसलमान राजा, वो राजा एक ही वंश के नहीं थे, अलग अलग वंश के थे, जो मुसलमान राजा ने यहाँ राज्य किया, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो राजा जैसे अकबर हो, हुमायूं हो, औरंगजेब हो, वो राजा यहाँ की संपत्ति लूट कर कहाँ ले गए? काबुल, कांधार, मक्का, मदीना या कहीं नहीं। और ब्रिटिश ने क्या किया, वो इरादे से आए, उनका ऑफिस तो रहा लंदन में, हेड ऑफिस वहां रहा और संपत्ति वहां लेकर गए। अब अंग्रेजों का राज अलग था। यहाँ बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री, नाम नहीं लेता ढूंढ बैठे, हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोले कि भाई भारत 1200 साल से गुलाम है। तो मैं गुलामी की परिभाषा सोचने लगा कि जब मुसलमान राजा राज्य करते थे उस समय पूरे देश पे किसी मुसलमान राजा का राज्य नहीं था। मुसलमान राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे, जैसे वली ने बताया उसको आगे जोड़ते बताओ। अब अकबर राज कर रहे थे, पर क्या राज वो अकेले कर रहे थे? आपको पता है अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? उनमें कुछ 9 रत्न हिंदू थे? नाम बताइए। और बीरबल बोले कि मुझे पता था, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और राजा थे, उनका नाम था राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल का नाम क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में अरुण जेटली करते हैं। अंग्रेजों ने जब देखा फूट डालो और राज करो कि नहीं, तो उन्होंने इतिहास को भ्रमित करने का चालू किया। पर स्वीकार किसने किया और आज की मुसीबत कहां है? आज की मुसीबत पे मैं आना चाहता हूं। स्वीकार किया उन लोगों ने कि भारत के इतिहास को देखने के तीन तरीके हैं। तीन तरीके कौन से? एक तरीका गांधी और नेहरू का ही तरीका, दूसरा तरीका मुस्लिम लीग का, तीसरा तरीका हिंदू महासभा आरएसएस का। ख्याल कीजिएगा, इतिहास को देखिएगा। अब आप कहेंगे गांधी को इतिहासकार थे क्या? मैं भी ऐसे ही सोचता था जब तक मैंने उनकी किताब हिंद स्वराज को गहराई से नहीं पढ़ा। लगता है हिंद स्वराज में तो भाई ये जनरली इकोनॉमी की बात होगी वगैरह, गांधी के उसमें 2-3 पेज में उन्होंने भारत के इतिहास को बताया। गांधी जी कहते हैं ये कहना गलत है कि हिंदू और मुसलमान राजा आपस में केवल लड़ते रहे, वो लड़ते भी थे, मिलजुल कर राज्य भी करते थे। और उसी में गांधी आगे लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में भारत में बहुत बड़ी एकता थी। गांधी को मारने का प्रयास इसीलिए किया गया था, प्रयास नहीं, गांधी को इसीलिए मारा गया था क्योंकि भारत के इतिहास को एक यूनिफाइड एकता का इतिहास देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजकल उनके बारे में आपको खूब सारे व्हाट्सएप आएंगे, उनके बाप दादा ये थे, वो इधर से, उनका धर्म दूसरा था, सब कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश चालू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में हमें सिखाते हैं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, मेल जोल का उच्चतम बिंदु जो था वो मध्ययुगीन काल में था। मुसलमान राजा, हिंदू राजा मिलजुल कर उन्होंने एक सभ्यता संस्कृति का स्वीकार किया। तो एक तरफ तो ये भारतीय राष्ट्रवाद गांधी नेहरू जो मानते हैं कि भारत का इतिहास यूनिफाइड था, एकतापूर्ण था, दूसरी तरफ वो लोग मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और आरएसएस। तो इनके पहले ये बता दूं ये लोग आए कहां से, किस समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके लिए थोड़ा सा जहां मैं छूट गया था कि ब्रिटिश आए हमारी संपत्ति को लूट के ले जाने के लिए और उन्होंने तीन मुख्य परिवर्तन लाए यहां। तीन मुख्य परिवर्तन कौन सा? पहला परिवर्तन रेल। अब कलकत्ता से तो उनको सामान ले जाना था इंग्लैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कलकत्ता पे आपका एयर, आपका ये पानी का जहाज अच्छे से आ सकता है। पर उनको अगर पटना से ले जाना पड़े, पुणे से बॉम्बे ले जाना पड़े तो प्रॉब्लम। तो पहला परिवर्तन वो लाए थे वो था रेल। दूसरा परिवर्तन, ब्रिटिश वाइसराय को नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाना था, अपने ऑफिसर्स को लेटर भेजना था, तो उसने चालू किया टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, जिसको मैं कहता हूं मेल।
और हम लोगों को याद रखें, इसलिए तीसरा परिवर्तन बताऊंगा, तीसरा परिवर्तन था आधुनिक एजुकेशन, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका एक भाग वो है जहां विद्रोहियों को रखा जाता है। जी, तो तीन परिवर्तन कौन से हो गए? रेल, मेल और जेल। अब इसी में से तीन नए वर्ग ऊपर आते हैं, तीन नए वर्ग ऊपर आते हैं। एक है व्यापारी उद्योगपति, दूसरे मजदूर वर्ग, और तीसरा आधुनिक शिक्षित वर्ग। ये है उभरते भारत के लोग, जो कहते हैं इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, और जो आगे जाकर इंडियन नेशनलिज्म के वाहक बनते हैं। व्यापारी उद्योगपति, मजदूर वर्ग, उभरते वर्ग, शिक्षित वर्ग। यहां जो पुराने वर्ग के लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनसे ज्यादा मोहब्बत रखिए। पहली बात मैं अपील कर देता हूं आपको, हमें राजाशाही नहीं चाहिए, हमें लोकशाही चाहिए। खैर, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार जो थे, इनको डर लगा कि हमारा पावर खतरे में है। हमारा, क्योंकि पावर किसके पास अभी जा रहा है? पावर जा रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, वर्कर्स ग्रुप के पास, एजुकेटेड क्लासेस के पास, इनके पास पावर जा रहा है। तो जो पुराने वर्ग के लोग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये खत्म नहीं हुए। तो इन लोगों ने जब लगा कि उनका पावर खतरे में है, जब उनको लगा कि वो लोगों का अस्तित्व संकट में है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी चालाकी से एक बहुत धर्म को राजनीति में घसीटा। धर्म को राजनीति में कैसे घसीटा? उन्होंने ये कहने के बदले कि समाज व्यवस्था बदल रही है, नई व्यवस्था आ रही है और हमारा पावर खतरे में है, ये कहने के बदले उन्होंने, मुसलमान जमींदार जागीरदारों ने कहा, इस्लाम खतरे में है। तो हिंदू राजा नवाब, हिंदू राजा जमींदार क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में। न खतरे में इस्लाम था, न हिंदू धर्म था, खतरे में क्या था? जमींदारों की, लैंडलॉर्ड्स की, राजाओं की पावर। तो इसलिए उन्होंने एक पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग, दूसरी पार्टी बनाई हिंदू महासभा। इन दोनों पर एक मिनट में आता हूं, उसके पहले देख ले, जो हमारे उभरते वर्ग थे, मजदूर, दलित, किसान और आधुनिक शिक्षित वर्ग, इनमें से तीन संगठन आए। जरा याद रखिएगा, तीन संगठन तो बहुत सारे आए, केवल प्रतिनिधि संगठनों की बात कर रहा हूं। पहले व्यक्ति जो है उनके बारे में अभी बात हुई, जरूर उनको याद रखिएगा और बार बार याद रखिएगा, सरदार भगत सिंह। उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक बार मैं बता देता हूं, कभी भूलना नहीं चाहिए, उसका नाम था नौजवान भारत सभा। दूसरे हमारा महाराष्ट्र के भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन वो था जिसमें देश के सभी धर्म के लोग शामिल थे, और उनके चार प्रतिनिधियों के नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके कुतुब मीनार की बात अभी हमको बहुत प्यारी सी बात बताएगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। डोंट वरी, मुझे राहुल गांधी ने नहीं मिला। अब ये इधर के संगठन हो गए, इनके नाम का जरा ख्याल कीजिए, नाम का ख्याल कीजिए। अब जब ये संगठन बन रहे थे, तो मुसलमान राजाओं ने मुस्लिम लीग बनवाई, हिंदू राजाओं ने हिंदू महासभा बनाई। बड़ी मजे की बात है कि अपना ढाका, ढाका पहले अपने ही था, ढाका से तो है, अपने ढाका में ढाका के नवाब और काशी के राजा ने मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें से आगे चलकर एक तरफ हिंदू महासभा बनी, एक तरफ मुस्लिम लीग बनी। खैर, अब यही हिंदू महासभा में बाकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता हूं। आज डेमोक्रेसी जिसके कारण खतरे में है, अब उस पर मैं ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा, और वो संगठन कैसे बना, क्या बना। तो मुस्लिम लीग ने बात की कि अरे हम तो अनादिकाल से, हम तो 1200 साल से एक मुस्लिम राष्ट्र है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तब से हम मुस्लिम राष्ट्र है और हमको एक मुस्लिम देश चाहिए। उसमें बाद में चलकर जिन्ना साहब लीडर बने, और हिंदू महासभा ने तो उसके आगे चली गई और उसने, उन्होंने कहा आप लोग तो 1200 साल से मुस्लिम राष्ट्र है, हम हिंदू तो 5000, 8000, 20000 क्या पता, अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र है। तो उनकी राष्ट्र की बड़ी अजीब कल्पना होगी। आपको पता होगा अनादिकाल से, थोड़ा सा मैं सिविक्स पढ़ता था, आपने भी पढ़ा होगा, अनादिकाल में मनुष्य कौन सी अवस्था में रहता था? शिकारी, यस नो, फूड गैदर, हंटर फूड गैदर। अब उस समय कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र था? उसके बाद हमारा वो जैसे आर्य लोगों का प्रतिनिधित्व है, जानवर चराना, जानवरों का मांस खाना वगैरह वगैरह, उस समय भी कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र था? गलत, उस समय तो हिंदू शब्द ही नहीं था। एक्सक्यूज मी, ये जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से है, हिंदू शब्द ही 8वीं शताब्दी से आया है। तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, और ये जो हिंदू राष्ट्र की सबसे मजेदार बात यह है,
कि इधर के लोग भगत सिंह गांधी अंबेडकर जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने कहा भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है। क्या मतलब इसका कि भारत एक राष्ट्र बन रहा है जिसमें नए मूल्यों को लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी प्लूरलिज्म ये वैल्यूज को साथ में लेके चलेंगे। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, कई लोगों को मैं जब कहता हूँ भगत सिंह गांधी अंबेडकर ये साइड पे हैं तो लोग मेरी आलोचना करते हैं कि अरे भगत सिंह और गांधी में तो बड़े मतभेद थे, अंबेडकर और गांधी में तो बड़े मतभेद थे, तो आप उनको एक ग्रुप में कैसे रख रहे हो। तो मैं उनसे दूसरा सवाल पूछता हूँ, यस उनके बीच में मतभेद थे पर उनके बीच में जो मतभेद थे उससे ज्यादा उनकी सिमिलैरिटी समानता थी। तो मेरे सवालों का जवाब दीजिए, ये तीनों भगत सिंह गांधी अंबेडकर तीनों भारतीय राष्ट्रवाद में मानते थे, यस नो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनके विचारों को प्रतिनिधित्व करता है, यस। सेक्युलरिज्म में मानते थे, यस। अब जब फर्क है कि इधर आई मुस्लिम लीग जो इंडियन नेशनलिज्म को नहीं मानती थी, इधर से आई हिंदू महासभा जो इंडियन नेशनलिज्म को नहीं मानती। और मजे की बात यह है आज जो राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं छाती को बड़ी करके छाती को छोटी करके, वो लोग आजादी के आंदोलन में कभी शामिल नहीं थे। आजादी के आंदोलन में हजारों लोगों ने जेल गए, लाखों लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, पर इधर के जो लोग थे मुस्लिम लीग हिंदू महासभा इन्होंने आजादी के आंदोलन में कभी किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। और इन्होंने ही वो इतिहास स्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा, अरे यहाँ के राजा तो मुसलमान थे, हिंदू तो केवल द्वितीय दर्जे के कायर लोग थे, ऐसा वो कहे। अब ये वो भूल गए कि अकबर के दरबार में कौन था, औरंगजेब के साथ मिर्जा राजा जयसिंह कैसे थे, वो भूल गए। तो उन्होंने मुस्लिमों की श्रेष्ठता बताने की कोशिश की। अब यहां ये याद रखिए, मुस्लिम कोई एक कैटेगरी नहीं होती, हिंदू कोई एक कैटेगरी नहीं होती। राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होता है, राजा और किसान में कोई समानता नहीं होती। खैर, तो इधर हिंदू महासभा आई, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की और हिंदू राष्ट्र ने एक नया शब्द दिया जो आज का सबसे डेंजरस शब्द है। वो उन्होंने इसको राजनीति में परिवर्तित कर दिया और 1923 में एक शब्द लाया गया हिंदुत्व। बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, मैं कई बार हिंदुत्व की आलोचना करता हूं तो लोगों को लग रहा है मैं हिंदू धर्म की आलोचना कर रहा हूं। गला, हिंदू एक धर्म है जिसमें अलग प्रकार के लोग होते हैं और हिंदुत्व एक प्रकार की राजनीति है। आगे चलने के पहले मैं दो महापुरुषों को आपके सामने रख दूं, एक आदर्श मुसलमान और एक आदर्श हिंदू, जिन्होंने मजहब के नाम पे सियासत नहीं की। पहले व्यक्ति का नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया? नहीं। अब जैसे मौलाना साहब ने हमें बताया कि उन्होंने कुतुब मीनार से क्या कहा, उसी बात को मैं जोड़ के आगे कह रहा हूं। अगर शायद मैं काल्पनिक रूप से सोचता हूँ, मौलाना साहब को कोई पूछता, अरे मौलाना साहब आप तो मुसलमान हैं, आप मुस्लिम लीग में आ जाइए, आप पाकिस्तान की मांग का समर्थन कीजिए, तो मुझे लगता है मौलाना साहब ये जवाब देते। मौलाना साहब क्या जवाब देते, मेरा इस्लाम तो इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है, पाकिस्तान की बात की है मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। और दूसरे एक आदर्श हिंदू जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी एक जगह लिखते हैं, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। स्टॉप। गांधी क्या कर सकते हैं, धर्म के लिए जान दे सकते हैं। आजकल क्या हो रहा है, धर्म के नाम पे जान है। आगे, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर वो मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राष्ट्र का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, जिसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, वो राष्ट्र न आपके न मेरे धर्म गुरुओं द्वारा चलेगा। राष्ट्र का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी और ह्यूमन राइट्स देना। और धर्म का काम होगा लोगों को नैतिक रास्ता दिखाना। इसीलिए गांधी की छाती में एक दूसरे तथा कथित हिंदू ने 3 गोलियां दाग दी, बोले ये नहीं चलेगा, हमको तो यहां हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां पुराने वेद और मनुस्मृति का शासन चले। अब 1925 में ये संगठन बना। ये संगठन को आप पहचानते हैं अच्छी तरह से, पहले ये हाफ पैंट पहनते थे, आजकल प्रमोशन हो गया फुल पैंट।
अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है, ये गांधी नेहरू, उन्होंने एक ही कहा हिंदू धर्म के अंदर कोई बुराई नहीं है। अब उसी समय एक दूसरे व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म की व्यवस्था, अब नैतिक मूल्य नहीं व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से दुखी होकर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर चौदार तालाब का आंदोलन करने की, क्यों कर रहे थे चौदार तालाब का आंदोलन? उन्होंने कहा हम दलितों को आप हिंदू तो मानते हो पर तालाब पे जाने नहीं देते पानी पीने के लिए, हम पिएंगे पानी, पहला उन्होंने अधिकार जताया। आप हमको हिंदू मानते हो पर आप हमको मंदिर में नहीं आने देते, कोशिश की उन्होंने, बाद में उन्होंने वर्ण व्यवस्था के कारण पूरा धर्म ही छोड़ दिया, वो बात हो रहा है। तो दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या, हमारे धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आया तो बाहर वालों के कारण। आपको बता दूं जब भी हम पूरी समस्या को बाहर पे डाल देते हैं हमारा समाज प्रगति नहीं कर सकता, पहले अंदर झांकने की जरूरत है, मेरे अंदर क्या गरीबी है क्या बुराई है जिसको मैं दूर कर सकता। औरतों की हालत बड़ी अच्छी थी, कोई सती प्रथा नहीं थी, बाहर के कारण आई, वर्ण व्यवस्था नहीं थी बाहर वालों के कारण आई, बाहर वाले आप समझ गए ना किसके इशारा करते हैं। अब उन्होंने एक संगठन बना लिया, बहुत मजबूत बना लिया, बाकी लोगों ने लगा कि ये संगठन क्या करेगा, ये तो खैर अपनी शाखा में ड्रिल करता रहता है इससे क्या होगा, केवल लाठी चलाता रहता है उससे क्या होगा, पर उसने 90 साल तक लगातार लोगों के मन में वो जहर डालने की कोशिश की। देखियो हमारे बहादुर राणा प्रताप जी ने कैसे अकबर के साथ लड़ाई की, कैसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। आपको बता दूं हर एक क्षेत्र में विकास होता है, आजकल इतिहास में भी विकास हो रहा है। राजस्थान के एक मंत्री है, उन्होंने कहा हम ये क्यों कहें कि भाई राणा प्रताप, हम ये क्यों कहें कि अकबर ने राणा प्रताप को हराया, हम तो ये कहेंगे राणा प्रताप ने अकबर को हराया। आपको जो कहने का है ना, पर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी वो हमारे दोस्त वली ने हमको बताया। अब ये इन्होंने इस इतिहास को लेकर, ये जो हम इतिहास की बात करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि इसके आधार पर नफरत फैलाई जाती है। हमारे महाराष्ट्र में हमारे शिवाजी महाराज वास्तव में एक अच्छे राजा थे, उनकी अफजल खान से लड़ाई हुई, तो बार बार जब भी इलेक्शन आता है ना लोग अफजल खान का पुतला खड़ा कर देते कि शिवाजी उसको मार रहा है, पर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। आपको बता दूं शिवाजी के साथ जो व्यक्ति थे उनका नाम था रुस्तमे जमाल, और अफजल खान के जो साथी थे उनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। पर खैर हम लोग फिर भी दुद्धू बन जाते हैं, अफजल खान का फोटो देखकर फिर से उसी पार्टी को फोन वोट दे देते हैं जो शिवाजी के नाम पे वोट मांगते हैं। तो खैर इन लोगों ने इतिहास का ऐसा दुरुपयोग करके जो किया। अब यहां मैं एक और बात आपके साथ समझना चाहता हूं कि इनका वास्तविक उद्देश्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा नहीं है, जो माइनॉरिटीज को मारते हैं वो तो ऊपर दिखने वाली बात है, याद रखिएगा। आपको अगर गहरी बात पता चले, गहरी बात हम समझेंगे तो पता चलेगा ये राजनीति कितनी खतरनाक है। वास्तव में ये क्या चाहते हैं, वास्तव में ये चाहते हैं कि यहाँ का जो दलित व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए ताकि सवर्ण लोगों को दलितों पर एक प्रकार के राज्य करने का मौका मिले। और ये बात मैं कैसे सिद्ध करता हूं, दो चीजों से। एक तरफ मैंने इधर के लोगों में बताया अंबेडकर है, भगत सिंह है, गांधी है, अब मैं यहां से गांधी अंबेडकर को पकड़ लेता हूं, और इधर का मैंने आपको बताया मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा आरएसएस है, इसमें से मैं आरएसएस को पकड़ता हूं कि दोनों के मूल्य कैसे अलग है। तो सन 2000 में आरएसएस के एक सरल संघ चालक आए, उनका नाम था के सुदर्शन। इधर से मैं अंबेडकर जी को पहले आपसे परिचय करा चुका हूं। तो अंबेडकर जी ने जैसे मैंने बताया अपने जीवन में काला राम मंदिर का आंदोलन, चौदार तालाब का आंदोलन किया, इसी के साथ साथ उन्होंने एक किताब को जलाया, पता नहीं आपको है कि नहीं इसकी जानकारी, एक किताब को जलाया, उसका नाम था मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय बाबा साहब ने कहा होगा मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इसको जला रहा हूं। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, और भारतीय संविधान हमको क्या देता है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इसीलिए वही जो कह रहे थे, एक बीजेपी के लीडर ने कहा हम भारतीय संविधान बदलने आए हैं, ये उनका असली मंशा वो बार बार बताते थे। और इधर मैं बता रहा हूं एक के सुदर्शन है, वो आरएसएस के मुखिया थे, सर संघ चालक उसको कहते हैं। उन्होंने सन 2000 में जब आरएसएस के मुखिया बने तो उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बने। कौन सा वो भारतीय धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज के कानून दिए, मनुस्मृति।
तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मनुस्मृति चलाओ, भारतीय संविधान लाओ। और आरएसएस की राजनीति वही इसका पूरा उल्टा चाहती है कि भारतीय संविधान हटाकर मनुस्मृति के मूल्यों को वापस लाया जाए। तो ये खतरा बहुत बड़ा है, खतरा केवल हिंदू मुसलमान का नहीं है, हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई करवाने का तो खतरा है। अब ये लोग जो थे मजहब के नाम पे राजनीति करने वाले, नाम मजहब का और सियासत स्वार्थ की, इन लोगों ने कभी भी लोगों के मुद्दों को नहीं उठाया। प्लीज नोट, लोगों के मुद्दे क्या होते हैं? गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बीमारी, इनके मुद्दे क्या हैं? इनके मुद्दे हैं मेरे भगवान का मंदिर वही था जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है, तोड़ेंगे उसको, तोड़ेंगे बोलते नहीं है, मतलब क्लियर था, मंदिर वही बनाएंगे। फिर गौ हमारी माता है, कोई इसको खाता है इसलिए हम उसको मारेंगे इसके नाम पर। और अभी आपने देखा होगा वो एक राजस्थान में अफराजुल नाम के एक बेचारे मजदूर को शंभूलाल रेगर ने लव जिहाद के मार नाम पे मार दिया। तो दुनिया में दो प्रकार के मुद्दे होते हैं, एक हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ जीने का सवाल, और दूसरे सवाल भावनात्मक मुद्दे बनाए जाते हैं। मैं विस्तार में नहीं आऊंगा कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा कैसे खड़ा किया गया, उसमें अंग्रेज हिस्टोरियन का कैसा रूल है। एक मिसेस एएफ बेवरेज ने पहली बार बाबरनामा का अनुवाद करते समय वहां एक फुटनोट लगा दिया कि शायद यहां पहले मंदिर था, वहां से पूरा इतिहास चालू हुआ। फिर जहां तक गाय का सवाल पे पहले थोड़ा एक और थोड़ा सा थोड़ा पद्मावती से मिल लेते हैं, क्योंकि पद्मावती कैसे समाज को बांटा जाता है। अब ये बता दूं आपको, पद्मावती नाम की सुंदर महिला इतिहास में नहीं थी। प्लीज नोट, मैंने बड़ा स्टेटमेंट एक साथ कर दिया है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। अब क्यों आक्रमण किया? राज्य जीतने के लिए कि पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, ये फैसला आपका है। पर उसके बाद 250 साल तक जो किताबें आई किसी में भी पद्मावती का कोई उल्लेख नहीं था। उसका पहला उल्लेख एक उपन्यास में आता है, कल्पना से लिखा हुआ एक उपन्यास मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी एक बड़े अंदाज से उसमें लिख देते हैं कि आपके पास अलाउद्दीन खिलजी जैसा पावर हो तो भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पद्मावती जौहर कर लेती है। तो एक उन्होंने एक उपन्यास के रूप में रखा। लोक गायकों ने, बार्ड जिसको कहते हैं, लोक कवि, यहां शायद बाउल सिंगर भी जैसे होते हैं, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, गांव गांव में जाकर गाने लग गए। और 1801 में एक अंग्रेज आते हैं इतिहासकार, उनका नाम है जेम्स टॉड। वो लोगों के मुंह से सुनते हैं, उनको लगता है ये इतिहास है और उसको इतिहास बना लेते हैं। तो पद्मावती एक इतिहास बन जाती है। और अभी जो फिल्म का थोड़ा सा बहुत पार्ट मैंने देखा, आज जैसे मुसलमानों को खराब कहा जाता है वही चित्र अलाउद्दीन खिलजी पे डाला जाता है, खूंखार, पिछड़ा हुआ, वो ऐसा कैसे उसका जंगली टाइप कि वो एक सीन है उसमें कि अलाउद्दीन खिलजी मटन खाना चाहता है तो वो भी ऐसा खाता है कि जैसे उसको कभी खाने को मिला ना हो, इस प्रकार से उसको बताते हैं। तो खैर ये इतिहास में कल्पना, फिल्म वाले की कल्पना है जैसा दिखाए, पर उसपे जो अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे आज के मुसलमानों पे किया जाता है पूरा गलत है। मेरा सवाल तो ये है, सभी राजा अच्छे नहीं थे, सभी राजा बुरे नहीं थे, कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां। अब पर एक बात क्लियर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अगर मान लो कोई अपराध किया हो तो आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है क्या? अगर ऐसा आप कहेंगे तो मैं कहूंगा जो हिंदुओं में सती प्रथा थी उसके लिए हम सबको जिम्मेदार ठहरना पड़ेगा। ये सब एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। और एक और मुद्दा हम बात कर लें, बीफ का, गाय के मांस का। अब बीफ के बारे में तीन चीजें मैं बताना चाहता हूं। नंबर एक, स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं प्राचीन काल में बीफ गाय का मांस खाया जाता था। मैं सुरक्षित हूं, मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद। अब उसमें ब्राह्मणवाद बुद्ध धर्म का क्या झगड़ा हुआ, बुद्ध धर्म ने अहिंसा की बात की, ब्राह्मणवाद ने गाय को अपने प्रतीक के रूप में रखा, फास्ट कह रहा हूं। पर मामला चालू होता है आजादी के पहले, तो एक तरफ ब्राह्मणवाद ने गाय को अपने प्रतीक के रूप में रखा और एक तरफ बुद्ध धर्म ने अहिंसा की बात की। खैर जो भी हो, जुलाई 1947 में कुछ लोग आए महात्मा गांधी से मिलने। उन्होंने गांधी जी को कहा, बाबू अब हम आजाद हो रहे हैं तो क्यों ना हम काउ स्लॉटर पे बैन लगा दें, क्यों ना हम गाय की बीफ खाने पे रोक लगा लें।
तो गांधी जी का जवाब सुनकर एक आप हैरान हो जाएंगे. गांधी जी एक आदर्श हिंदू, और आदर्श हिंदू के रूप में कहते हैं कि गाय बीफ पर बैन लगाना, गौ हत्या पर रोक लगाना, ये हमारे लिए गलत होगा, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और देश किसका है? सभी धर्म के लोगों का. इसलिए ऐसा किसी प्रकार का काम राज्य की तरफ से नहीं आना चाहिए. और खैर, ये हिपोक्रेसी, और एक आपको मजेदार किस्सा सुनाकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा. हिपोक्रेसी ऐसी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर गाय की सेवा करना हो तो मेरा एक सुझाव है, जो वास्तव में गाय को माता मानते हैं उनके लिए एक सुझाव है, अगर आपको वास्तव में गाय से प्यार है तो शहरों में जो सैकड़ों गाय घूमकर घूमती घूमती प्लास्टिक खा के मरती हैं, उनको उस प्लास्टिक से बचाओ, तो मैं मानूंगा कि गाय के बारे में आपका प्यार सच्चा है. राजस्थान में हिंगोनिया में बीजेपी सरकार द्वारा चलाई हुई एक गौशाला में सैकड़ों गायें कीचड़ और गोबर में लिपटकर बीमारी से मर गई. एमपी में ही ऐसा हुआ. खैर, ये दुखदायी चीजें एक मजेदार किस्सा थी. अब ये गाय का मामला है, उसमें किसे किसे जोड़ना चाहता हूं कि लोगों की हिपोक्रेसी कैसे होती है. तो एक बार मैं, आपको पता होगा मेरा काफी ट्रेवल चलता रहता है, तो घर में काफी समस्या होती है. तो एक बार मेरी पत्नी ने अपना पूरा डिक्टेटरशिप हाथ में ले लिया. क्या किया भाई, मैं गया, मेरी डायरी उन्होंने ले ली, बोले 15 दिन तक आप कोई अपॉइंटमेंट मत दो. मैंने क्यों भाई, नहीं देता, अगर आप बोलते तो नहीं देता. क्यों भाई, बोले नहीं, बोले हम ईस्ट यूरोप जाएंगे घूमने, मैंने टूर बुक कर लिया. थैंक यू वेरी मच, चलो घूमने जाते. अब जैसे यहाँ लोगों के बारे में एक जनरल ओपिनियन है, मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता वगैरह, यूरोप में हमारे टूर कंडक्टर्स के मन में था कि शायद सभी इंडियन वेजिटेरियन होते हैं. तो हम पहले गए, दिन गए टूर में, तो हमको वेजिटेरियन खाना मिला, खा लिया जैसे तैसे, नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या हुआ, दूसरे दिन मैंने देखा हमारे टूर के ग्रुप में एक तिलकधारी सज्जन थे. पहले दिन तो उन्होंने खाया, दूसरे दिन लंच के समय वो गायब, तीसरे दिन गायब, चौथे दिन मैंने उनको पकड़ा. मैंने कहा क्या आपको हमारी कंपनी अच्छी नहीं लगती, हमारे साथ खाना नहीं खाते? बोले नहीं नहीं, आप इतने बुरे नहीं है, आप तो ठीक है, टॉपिक बना लो, पर ये खाने में केवल वेजिटेरियन देते हो, हमको यहाँ का बीफ बड़ा अच्छा लगता. उन्होंने इतने अंदाज से कहा, मेरे मुंह में भी पानी आ गया. तो क्या आप गाय को माता नहीं मानते? गाय को माता नहीं मानते? नहीं, बोले गाय को माता मानते हैं, पर इंडियन गाय को. सवाल यह है कि क्या हम धर्म के खिलाफ हैं? जैसा मेरे साथी वक्ताओं ने आज मेरा समस्या बहुत आसान कर दी, हम धर्म के नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है. धर्म की पहचान पर जो लोगों को टारगेट किया जाता है, धर्म के मुद्दों के नाम पर, गाय के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, वो पॉलिटिक्स हमारी बेहतरी नहीं चाहता. और ये भी आपको बता दूं, ये भावनात्मक मुद्दों के कारण हमें करना क्या है, ये हमारे उस पर मैं आना चाहता हूं. ये हिंसा कैसे करवाई जाती है, दलितों में क्लियर हूं, एम आई राइट, कि दंगे होते नहीं है, दंगे दंगे क्यों करवाए जा सकते हैं? क्योंकि लोगों के मन में नफरत पैदा की जाती है. ये देशी है, वो विदेशी है, वो मुसलमान राजा ने ऐसा किया, वो इस्लाम तलवार की नोक पर आया, वो ये हमारी और लड़कियों को ले जाकर वो लव जिहाद करते हैं. ये सब गलत धारणाओं के आधार पे ये गलत समझ बनाई जाती है. इस समझ के कारण समाज में हिंसा करवा सकते हैं, और हिंसा के कारण वो जो पार्टी आपके यहाँ बढ़ रही है वो बढ़ती है. समझ रहे? और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च आया है. ये यूनिवर्सिटी स्मृति ईरानी जी ने बताया, मैं वहां से डिग्री लेके आई, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां दूरगामी चलकर एक पार्टी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाती है. और पार्टी का नाम आप गेस कर लीजिएगा, वही पार्टी है जो बंगाल में भी दुर्भाग्यवश मजबूत होने की कोशिश कर रही है. तो दोस्तों, आखिर में हम करें क्या? एक तो मैं पहले आपकी बहुत फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो हमारे दोस्त ने बताया ये केवल मुस्लिम एरिया में करके हमें ज्यादा नहीं मिलेगा.
ये चीज इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के सभी तबकों के बीच में होना जरूरी है. मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती. मोहब्बत जो इतिहास की समझ है स्कूल में कॉलेज में किताबों में वो तो एक प्रकार की समझ जो अंग्रेजों ने डाल दी, उससे आगे हमको बढ़ने की जरूरत है. तो मैं निवेदन करूंगा कि हम में से कुछ लोग जो इस चीजों को आजकल यूट्यूब थैंक्स टू यूट्यूब कई चीजें समाज तक पहुंच रही है पर फिर भी उतना नहीं पहुंच रहे जितना पहुंचना चाहिए. तो अलग अलग तरीकों से इतिहास की सही समझ को समाज के सब लोगों तक ले जाना जरूरी है और ये जिम्मेदारी केवल वली रहमान की जरूरी वली रहमानी की नहीं है. ये जिम्मेदारी हम सबकी होना चाहिए. हम सब लोगों ने आज खासतौर से नौजवान नौ युवतियों ने एक थोड़ा सा खुद को प्रॉमिस करना चाहिए. खुद की जिंदगी तो मैं जीऊंगा अच्छे से कोशिश करूंगा जीने की पर थोड़ा सा वक्त समाज के काम के लिए दूंगा. हफ्ते में कुछ घंटे महीने में कुछ दिन साल में कुछ महीने मैं समाज के काम के लिए दूंगा. सबसे पहले खुद को क्लियर करूंगा ये हिंदू मुसलमान का मामला क्या है, हिंदू क्रिश्चियन का मामला क्यों है, पेस्टर स्ट्रेंस को क्यों जलाया गया, ये इस प्रकार की हिंसा अफराजुल को क्यों मारा जाता है. पहले खुद अच्छे से समझूंगा और फिर इस समझ को किताबों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लेक्चर्स के माध्यम से सेमिनार के माध्यम से समाज के अलग तबकों तक ले जाकर समाज में एकता लाने की कोशिश करूंगा. गांधी के आंदोलन के समय लोग रोज शिक्षित होते थे. हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में शरीक होते थे. आज वो कंधे बहुत दूर हो गए हैं. उसके बीच में जो खाई बन गई है उसके बीच में पुल का काम केवल हम ही कर सकते हैं और जब तक हम वो पुल का काम नहीं करेंगे समाज में एकता बेहतरी नहीं आएगी. इस प्रयास को आगे रखना जरूरी है और इस प्रयास को अलग अलग मीडियम से समाज के सभी तत्वों तक लेकर ले जाकर हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Beautiful end to a beautiful day. Can we all stand up for Dr. Rankui?